नमस्कार, एडीएम नॉलेज पॉइंट चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज का वीडियो हमारा फिजिक्स विषय से संबंधित है, जिसमें हम जानेंगे कि डायनेमो किस प्रकार की युक्ति है, मानव शरीर का भार किस स्थान पर अधिक होता है, पाइर हीलियोमीटर में क्या मापा जाता है, फोनोमीटर का क्या उपयोग है, साबुन के बुलबुले के आंतरिक दबाव के बारे में जानेंगे, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये जानेंगे, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या है, पलायन वेग आदि आदि। तो इन सब के प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। और इसके साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्न जो पूछा था उसका उत्तर क्या है, साथ ही साथ इस वीडियो में भी एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहला प्रश्न है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। इसके ऑप्शन हैं ए 4:9, बी 2:3, ऑप्शन सी है 16:81 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 2:3। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। ऑप्शन ए पाइरोमीटर, बी फोटोमीटर, सी फोनोमीटर और ऑप्शन डी पैक्नोमीटर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए पाइरोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, पानी का आपेक्षिक घनत्व निम्नलिखित ताप पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए 0 सेंटीग्रेड, बी 4 सेंटीग्रेड, सी 15 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो डायनेमो जो है वो ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, ऑप्शन सी है विद्युत नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है और ऑप्शन डी प्रबल नाभिकीय बल परमाणु की केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये सही नहीं है, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइड्रोमीटर और ऑप्शन बी विंड वैन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी विकिरण ऊर्जा और ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। प्रश्न 8, मानव शरीर का भार होता है। ऑप्शन ए ध्रुवों पर अधिकतम, ऑप्शन बी पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिकतम और ऑप्शन डी मैदानों भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए और ये बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलाए मार रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो इसका निष्कर्ष निकलता है ऑप्शन ए किसी चलाए मार वस्तु का भार कम होता है, ऑप्शन बी प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, ऑप्शन सी एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है और ऑप्शन डी अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो इसका जो निष्कर्ष होगा ऑप्शन सी होगा, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद उसका घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10, पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए सन स्पॉट को, बी सोलर रेडिएशन को,
ऑप्शन सी हवा के ताप को और ऑप्शन डी पौधों के ताप को। तो इसका जो उपयोग होता है वो सोलर रेडिएशन के मापन के लिए होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी मरकरी, सी हाइग्रोमीटर और ऑप्शन डी हीलियोग्राफ। तो Hg का तात्पर्य जो है वो मरकरी से है, मरकरी यानी कि पारा से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, बी सिस्मोमीटर, सी सिस्मोस्कोप और ऑप्शन डी सिस्मोग्राम। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है ऑप्शन ए रिक्टर पैमाने पर, बी केल्विन पैमाने पर, सी डेसिबल में और ऑप्शन डी पास्कल में। तो भूकंप की तीव्रता जो है वो रिक्टर पैमाने पर मापन किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। दो गेंदे हैं ए और बी, ये क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है भूमि पर ए, जो कि 10 किलोग्राम का है वो पहले पहुंचेगी। ऑप्शन बी है भूमि पर बी, जो कि 1 किलोग्राम की है वो पहले पहुंचेगी। ऑप्शन सी भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, माने सही जोड़ी नहीं जमा है? ऑप्शन ए है ओडोमीटर, ये वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ऑप्शन बी ओंडोमीटर, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑप्शन सी ऑडियोमीटर, ये ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। और ऑप्शन डी एमीटर, ये विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। तो यही जो है ऑप्शन डी जो है एमीटर, ये सही जोड़ी नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, बी अत्यधिक उच्च ताप, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति और ऑप्शन डी वायुमंडलीय आर्द्रता। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति जो है इसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 17। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए नैनोमीटर, बी डेसिबल, सी हर्ट्ज और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी डेसिबल, इसको ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? ऑप्शन ए वायु, बी जल, सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में भार अधिकतम होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। मशीन गन का आविष्कार किया गया था? ऑप्शन ए जेल बेड द्वारा, बी जी ब्राउसा द्वारा, सी कार्ल बेंज द्वारा और ऑप्शन डी जेम्स पकल द्वारा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जेम्स पकल द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। निम्नलिखित किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो चार सिद्धांत के नाम है, इनमें से एक सिद्धांत को बताना है। ऑप्शन ए अवोगैद्रो अवधारणा, बी ऊर्जा संरक्षण, सी संवेग संरक्षण और ऑप्शन डी बर्नौली सिद्धांत। तो रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, उसके सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब के बराबर, बी वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब से कम और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, ऑप्शन ए उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, ऑप्शन सी उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है और ऑप्शन डी उसके गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो यही ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन ए समय, बी चाल, सी विस्थापन और ऑप्शन डी दूरी। तो इसमें सी जो है वो सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा बताना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऑप्शन डी वह बढ़ेगी या घटेगी, ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब व्यक्ति जो है सांस लेगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है तो एक कैरेट बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए 100 मिलीग्राम के बराबर होता है, बी 200 मिलीग्राम के बराबर, सी 300 मिलीग्राम के बराबर और ऑप्शन डी 400 मिलीग्राम के बराबर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 200 मिलीग्राम के बराबर होता है हीरे का एक कैरेट। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26। पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं, ऑप्शन बी अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, ऑप्शन सी संपूर्ण सौरमंडल भी चलायमान है और ऑप्शन डी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती है। तो यही ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा, इसीलिए हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 27। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? ऑप्शन ए अपकेंद्री बल के कारण, बी केंद्राभिमुखी बल के कारण और ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या कोई अन्य बल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी केंद्राभिमुखी बल के कारण जो है ये पृथ्वी जो है अपने उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28। निम्नलिखित कथन ए और उसके कारण आर पर विचार कीजिए और अपना उत्तर जो है दिए गए कूट में से चुनिए। कथन है ए, एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उन्नतोदर बनाई जाती है और निचली सतह जो है वो नतोदर है। अब इसका कारण है कि शीर्ष भाग यानी कि टॉप पर वायु प्रवाह की द्रुत गति कम होती है, इसलिए अधोभाग में शीर्ष भाग से दबाव कम रहता है। अब इसके कूट हैं, ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी जो है ए और आर दोनों सही हैं पर आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए गलत है आर सही है। ऑप्शन डी है ए सही है और आर गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 29। प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, बी वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, तीसरा है ऑप्शन सी नंबर प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी और ऑप्शन डी की औसत दूरी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30। निम्नलिखित SI यूनिट में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सभी SI यूनिट के बारे में है, तो इसमें से हमको जानना है कि कौन सा सही जोड़ी नहीं बैठ रहा है। ऑप्शन ए है कार्य जूल, ऑप्शन बी बल न्यूटन, ऑप्शन सी द्रव्यमान किलोग्राम और ऑप्शन डी दाब और डाइन। तो इसका सही सुमेलित जो है ये ऑप्शन डी नहीं है, दाब और डाइन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 31। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? ऑप्शन ए रैखिक संवेग संरक्षण, बी कोणीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण और ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए रैखिक संवेग संरक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 32। प्रकाश वर्ष मात्रक है या इकाई है किसका? ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता का, बी समय का, सी दूरी का और ऑप्शन डी प्रकाश के वेग का। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? ऑप्शन ए पानी के उत्प्लावन के कारण, बी पृष्ठ तनाव के कारण, सी श्यानता के कारण और ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई जो है वो पानी की सतह पर तैरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए यह पृथ्वी के निकट है, ऑप्शन बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ऑप्शन सी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है और ऑप्शन डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग और उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 35। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन बी है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, ऑप्शन सी है वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे और ऑप्शन डी है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 36। इसमें
हमको सही जोड़ी बनाना है, सूची एक और सूची दो, इनको सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से आपको उत्तर चुनना है। तो सूची पहला में है आप, इसमें ए एनीमोमीटर, बी का सूची नंबर दो का पहला है भूकंप, फिर बी में है सिस्मोग्राफ वायुमंडली दाब, सी में है बैरोग्राफ वायुवेग, और ऑप्शन जो डी नंबर का स्टेटमेंट है हाइग्रोमीटर और आर्द्रता। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा जोड़ी सही बैठता है। तो इसमें ऑप्शन ए में है 1 2 3 4, बी में है 4 1 2 3, ऑप्शन सी में है 4 1 3 2, और ऑप्शन डी में है 3 1 2 4। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 3 1 2 4, यानी कि एनीमोमीटर का हो जाएगा वायुवेग, फिर हो जाएगा सिस्मोग्राफ का भूकंप, तीसरा जो बैरोग्राफ है उसका हो जाएगा वायुमंडली दाब, और हाइग्रोमीटर का हो जाएगा आद्रता। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 37। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, ऑप्शन ए गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, बी कुंडली में घर्षण होता है, ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, और ऑप्शन डी लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए लोलक घड़ियां जो है वो सुस्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 38। सूची एक को सूची दो द्वितीय के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर भी सही जोड़ी बनाना है आपको। सूची पहला में है एरोमीटर, एमीटर, एनीमोमीटर और अल्टीमीटर। सूची दो में है ऊंचाई मापन, इंजन गति मापन, विद्युत धारा मापन, पवन वेग मापन, और पांचवा है वायु गैस घनत्व भार मापन। तो इसमें से जो हमको चूज करना है, तो देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शन ए जो है 3 2 5 1 है, बी जो है 3 5 4 2 है, ऑप्शन सी जो है 5 3 4 1 है, और ऑप्शन डी जो है 5 4 3 2 है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5 3 4 1। अब इसी क्रम में देख लेते हैं कि ए नंबर का जो है एरोमीटर, तो एरोमीटर जो है ये किसके साथ जाएगा, वायु गैस घनत्व भार मापन। जो बी नंबर में है एमीटर, एमीटर जाएगा विद्युत धारा मापन, और सी नंबर जो है एनीमोमीटर, ये जाएगा पवन वेग मापन, और डी जो अल्टीमीटर है ये जाएगा पहला ऊंचाई मापन के साथ। इस प्रकार से इनकी सही जोड़ी बनेगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 39। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? ऑप्शन है बर्फ में वायु भरी होती है, बी बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, सी पानी का बर्फ से ज़्यादा गहरा होना, ऑप्शन डी है बर्फ का घनत्व पानी से ज़्यादा होना। तो तैरने का कारण जो है वो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, तो बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 40। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? ऑप्शन ए दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, ऑप्शन बी छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन सी है समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, ऑप्शन डी दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी छोटा बुलबुला और छोटा होगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 41। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अधिक लंबा हो जाएगा, बी अधिक छोटा हो जाएगा, सी गोलाकार हो जाएगा, और ऑप्शन डी वही रहेगा, तो ज्वाला का आकार जो है वो गोलाकार हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 42। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो शाखा का नाम है ऑप्शन ए फील्ड थ्योरी, बी पार्टिकल फिजिक्स, सी क्वांटम मैकेनिक्स, और ऑप्शन डी परमाणवीय भौतिक। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी क्वांटम मैकेनिक्स में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 43। एक पार्सेक जो है तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक है, तो इसका मान कितना होता है? ऑप्शन ए 4.25 प्रकाश वर्ष, बी 3.26 प्रकाश वर्ष, सी 4.50 प्रकाश वर्ष, और ऑप्शन डी 3.85 प्रकाश वर्ष। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 44। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती से ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? ऑप्शन ए परासरण, बी विसरण, सी केशिकत्व, और ऑप्शन डी जीव द्रव्य कुंचन। तो ये केशिकत्व के कारण जो है ऊपर चढ़ता है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 45। पेंडुलम घड़ी
तीव्र गति से चल सकती है। ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु में, बी शीत ऋतु में, सी बसंत ऋतु में और ऑप्शन डी वर्षा ऋतु में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 46। पृथ्वी का पलायन वेग है ऑप्शन ए 15.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी जो है 7.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यही डी जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका सही उत्तर है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 47। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, बी वह पृथ्वी पर वापस गिरेगी, ऑप्शन सी वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी और ऑप्शन डी वह फट जाएगी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वह पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 48। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। ऑप्शन ए लकड़ी, बी मोम, सी लोहा और ऑप्शन डी सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी साथ साथ पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 49। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का जो मुक्त पृष्ठ होगा ऑप्शन ए वो क्षैतिज बना रहेगा, बी क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, ऑप्शन सी क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर गहराई अधिक होगी और ऑप्शन डी परवलयी वक्र का आकार लेगा। तो यहाँ पर तेल का जो मुक्त पृष्ठ है वो परवलयी वक्र का आकार लेगा तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 50। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी बुद्धगुप्त और ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो वो जो मनीषी थे वो थे ब्रह्मगुप्त ऑप्शन डी, जिसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 51। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो प्रदोल आवर्त काल है जो समय है वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कम हो जाएगा, बी अधिक हो जाएगा, सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा और ऑप्शन डी परिवर्तित रहेगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 52। इसमें कथन है ए लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है, पारद यानी कि मरकरी, किंतु पानी में डूब जाता है। अब इसके कारण क्या है कि लोहे का अपेक्षित घनत्व जो है पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। अब इसमें जो कूट है ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण बता रहा है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, या तो इसका जो कारण है वो गलत है लेकिन जो कथन है वो सही है। तो ये था आज का हमारा इस फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकांशतः यूपीएससी में पूछे गए हैं और आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं हम पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था कि रोटी के निर्माण में किस गैसीय नियम का अनुप्रयोग होता है, तो इसका उत्तर है चार्ल्स का नियम। अब आज हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो उसका उत्तर आप हमारे कमेंट सेक्शन में देख करके आप जवाब दे दीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है परंतु आगे ऐसे ही वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।